वंचित है। गांव जाने के लिए रास्ता तो है लेकिन सड़क नहीं है। लोग नरक की जिंदगी जीने को मजबूर है। देश भले ही तरक्की के मामले पर मंगल पर पहुंच गया हो लेकिन इस गांव की तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। ये कहानी है गोटे गांव जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले टांडाल डुंगरिया गांव की, जहां आदिवासी समाज कई सालों से रह रहा है लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। मुख्य मार्ग से टांडाल डुंगरिया पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है, पगडंडियों के सहारे ही गांव तक पहुंचा जा सकता है। गांव के लोग बताते हैं कि बारिश के मौसम में आने जाने में परेशानी होती है, वहीं गर्मियों के दिनों में पीने के पानी के लिए भी तरस जाते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहां हमारी 10 पीढ़ियां बीत गई हैं, उसके बाद भी हम लोगों ने रोड नहीं देखी। बरसात के दिनों में अगर कोई हमारे गांव में बीमार पड़ जाता है तो उसे शहर ले जाने के समय रास्ते में ही दम तोड़ देता है। जनप्रतिनिधि गांव में सिर्फ वोट मांगने आते हैं और जब जीत जाते हैं तो पलट कर नहीं देखते। जनपद पंचायत सीओ देवेंद्र सोनी का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच करवाकर आदिवासी ग्रामीणों को सुविधा मुहैया कराई जाएगी। वन क्षेत्र में चांडाल डुमरिया वन ग्राम में आता है और यहाँ पर वन विभाग द्वारा ही कराया जा सकता है। हमारे द्वारा राजस्व की जगह पर निर्माण कार्य कराया जाएगा और वन विभाग के कर्मचारियों से बातचीत कर सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। हेलो भाई, ये बात मेरे संज्ञान में आई पर चांडाल डुमरिया का जो परिवेश है उसमें वन क्षेत्र ज्यादा और वन क्षेत्र में जो भी निर्माण कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं उसमें वन विभाग ही कराता है। बिना वन विभाग के अनुमति यहाँ पर जगह के अंदर काम नहीं कर सकते। हम राजस्व एरिया में जितना है वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, काम कर लेंगे। वन विभाग का काम बन रहा है, सब कुछ प्रयास किए जाएंगे जिससे ग्रामीणों को सुविधाएं मिल जाए। बिल्कुल, मैं दो चार दिन के अंदर इंस्पेक्शन करूँगा, स्वेता जाएगा और जितना हो सकता है राजस्व एरिया में हमारे जो ग्राम पंचायत टेरिटोरियल में आएगा वो हम संरचना करेंगे। सर यहाँ तो बहुत बड़ी परेशानी संकटों से झेल रहे हम लोग। यहाँ पर तो न कोई भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, न ये तो पे कोई ऐसी सुविधाएं देखने को मिली है। बच्चे से लगा के हर बूढ़े नौजवान के लिए तकलीफें हुए देखने को मिल रही हैं कुल मिला के। तो न यहाँ पर स्कूल है, न स्कूल में शिक्षा का स्तर है ऐसा कोई देखने को मिला कि टीचर लोग भी समय समय पर नहीं आते। बारिश में बहुत परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं। न हमने रोड देखो आज तक, न हमारे बुजुर्गों से हम देख रहे हैं कि ऐसे कच्चा ही रास्ता चल रहा है सर।